क्लियर है, ठीक है, ओके। क्या डाउट है आपका? ऋतिक राज, ऋतिक एंटीपोडल्स, अच्छा ओके। तो एंटीपोडल्स आपने पढ़ा होगा, फीमेल गेमेटोफाइट है ना। ठीक, फीमेल गेमेटोफाइट में ऊपर आप तीन सेल्स देखते हो, इनको एंटीपोडल्स बोला था। हम लोग ने बोला कि हमको जायगोट बनाना है आफ्टर द फ्यूजन ऑफ मेल जर्म सेल विद दी सिनर्जिड्स, राइट। और हमने ये बोला कि हमको एंडोस्पर्म बनाना है आफ्टर द फ्यूजन ऑफ मेल जर्म सेल विद दी पोलर न्यूक्लियाई, दो पोलर न्यूक्लियाई ऑफ सेंट्रल सेल, ठीक है। तो जो एंटीपोडल्स होते हैं उनका काम होता है टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू दीज फॉर्मिंग जायगोट एंड फॉर्मिंग एंडोस्पर्म। जो हमने एक डिप्लॉयड एंडोस्पर्म बनाया था ना, उस एंडोस्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने का काम इन एंटीपोडल्स का होता है। और जो आपका जायगोट बनेगा उस जायगोट को भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने का काम इन एंटीपोडल्स का होता है। तो बेसिकली इनका काम इज प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन, एंटीपोडल्स जो ऊपर आप देख, ठीक है। और कोई डाउट? एनी मोर डाउट? ओके, आदित्य का डाउट है सिनर्जिड्स। देखो, जैसे ही वो माइक्रोपाइल एंड से वो जो पॉलन ट्यूब एंटर कर रहा था ना फीमेल गेमेटोफाइट में, तो वो माइक्रोपाइल एंड पे हमको क्या करना है। देखो, अभी पॉलन ट्यूब जो है दैट इज क्लोज ना, वो तो क्लोज है। उसका एक एंड जो है वो पॉलन ग्रेन से निकल रहा है और दूसरा एंड इज क्लोज, है ना। तो हमको कोई तो ऐसी चीज चाहिए जो उस क्लोज पॉलन ट्यूब को हटा सके ताकि उसके अंदर के मेल जर्म सेल जो है वो अंदर आ सके, ऐसा ही चाहिए ना। तो इसमें क्या होता है कि वी नीड सम, तो वो जो सिनर्जिड्स होते हैं वो सिनर्जिड्स के पास इतना पावर होता है कि जो भी पॉलन ट्यूब आ रही है उस पॉलन ट्यूब को एक तरह से कट कर देना है या उसका जो टिप है ना उसको इरोड कर देना है ताकि अंदर जो मेल जर्म सेल है वो निकल के एग सेल के पास और सेंट्रल सेल के पास आ सके, ठीक है। तो ये सिनर्जिड्स का काम होता है, ठीक है। सक्षम आदित्य, डाउट क्लियर हो गया? एंडोस्पर्म जो है वो फ्यूजन प्रोडक्ट है सूरज ऑफ सेकेंड मेल गेमिट एंड दी सेंट्रल सेल, ठीक है। एंडोस्पर्म इज दी फ्यूजन प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड मेल गेमिट व्हिच इज कमिंग फ्रॉम द पोलन ट्यूब एंड द सेंट्रल सेल हैविंग टू पोलर न्यूक्लिया, सो दैट वाज फॉर्मिंग दी ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म, ठीक है। प्रियन एंडोस्पर्म बना रखता है, वाज एंडोस्पर्म। और जो आपका कॉटिलिडन है, कॉटिलिडन इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ योर सीड। और सीड कहाँ बनता था, सीड किससे बनता था, सीड वाज मेड इनसाइड द ओव्यूल। तो ओव्यूल के अंदर आपको मिलेगा सीड और सीड के अंदर मिलेगा आपको कॉटिलिडन। एंडोस्पर्म इज द फ्यूजन प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड मेल गेमिट एंड सेंट्रल सेल, ठीक है। ऑल्दो दैट विल ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ सीड, वो भी सीड का ही पार्ट है क्योंकि ऑव्यूल के अंदर ही तो हो रहा है सब, तो ऑव्यूल इवेंचुअली विल फॉर्म इनटू सीड, ठीक है। ऋतिक एक बार पुराना कल वाली जो वीडियो है ना उसको दोबारा देखना, जो लास्ट वीडियो आपको सेंड किया ना उसको दोबारा से देखना, ठीक है। हाँ जी, पॉलन मदर सेल जो होती है आदित्य वो डिवाइड करती है। पॉलन मदर सेल इज लाइक अ डिप्लॉयड सेल, वो डिप्लॉयड सेल में हमको मियोसिस रन करवाना होता है। तो दो मियोसिस रन करवाएंगे हम, आफ्टर दी रनिंग ऑफ टू मियोसिस हमको जो एंड प्रोडक्ट मिलेगा वो चार सेल्स होंगे ना। तो पॉलन मदर सेल जो डिप्लॉयड था उसका जो एंड प्रोडक्ट होगा दैट विल बी फोर पॉलन ग्रेन व्हिच ऑल वर हैप्लॉयड, ठीक है। और हर एक पॉलन ग्रेन के अंदर दो दो मेल जर्म सेल्स होंगे, ओके। चलिए, एनी मोर डाउट? कोई और डाउट है तो पूछ लीजिए। हाँ जी, स्पोरोफिटिक इनका डाउट है। प्रभात, प्रभात, स्पोरोफिटिक गेमेटोफिटिक दो फेज होते हैं बस। आपने जो साइकिल पढ़ा होगा ये एंजियोस्पर्म वाला, उसमें आपने दो फेजेस पढ़े। देखो, प्लांट की लाइफ में दो फेज आता है, एक फेज होता है स्पोरोफिटिक फेज और दूसरा फेज होता है गेमेटोफिटिक फेज, ठीक है। या उस फेज वाले प्लांट को हम बोल देते हैं स्पोरोफाइट या गेमेटोफाइट।
गेमेटोफिटिक गेमेटोफाइट इज रिलेटेड विद गेमिट्स। तो प्लांट के फेज में जब गेमिट्स बनते हैं या जैसे जब पॉलन ग्रेन बन रहा है, जब आपका ओव्यूल्स बन रहे हैं, एग जब बन रहा है, एक्सेल जब बन रहा है, तो ये वाला जो फेज जिसमें प्लांट इज शोइंग फ्लावरिंग या वो फेज जिसमें प्लांट इज शोइंग रिप्रोडक्टिव पार्ट्स फॉर्मिंग गेमिट्स, ऐसे फेज को हम लोग बोल देते हैं गेमिटोफिटिक फेज। एंड दैट प्लांट बॉडी एट दैट टाइम इज नोन एज गेमिटोफाइट। वो फेज जिसमें अभी फ्लावर फ्लावरिंग नहीं हो रहा या प्लांट में रिप्रोडक्टिव फेजेस नहीं बन रहे, ऐसे फेजेस को हम लोग बोल देते हैं स्पोरोफिटिक फेज, और ऐसे प्लांट बॉडी को हम बोल देते हैं स्पोरोफाइट। प्लांट में ये दोनों फेजेस आते रहते हैं, जो फ्लावरिंग प्लांट्स है एंजियोस्पर्म उसमें ये फेजेस आते जाते रहे। ठीक है, ओके। आदित्य देव, आदित्य टेपिटम जो है वो आपका इज अ लेयर अराउंड योर दिस पॉलन सैक। ठीक है, आपने पढ़ा कि जो लोब्स होते हैं एंथर के, उन एंथर के लोब्स के अंदर सैक होते हैं। ठीक है, चार आपने पॉलन सैक पढ़े थे, और हर एक सैक के अंदर आपने पढ़ा था दैट वी हैव लॉट्स 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 ऑफ पॉलन ग्रेन इनसाइड। अभी क्या होता है कि उन पॉलन ग्रेन को भी तो न्यूट्रिशन चाहिए थे, उनको भी तो खाना चाहिए, उनको भी तो ग्रोथ के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। तो ये जो टेपिटल लेयर होती है विच इज प्रेजेंट आउटसाइड द पॉलन सैक दैट हेल्प्स द पॉलन ग्रेन टू गेट न्यूट्रिशन। ठीक है, तो न्यूट्रिटिव फंक्शन होता है टेपिटम का। ओके, आईयूसीडी आप आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस होती है, तो दिस यू विल स्टडी इन द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आफ्टर वी कंप्लीट दिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो सब पढ़ेंगे अपने दिन। ठीक है, एनी मोर डाउट फटाफट बोलो, डाउट क्लियर हो गए सबके, येस और नो? जिनने भी डाउट पूछे थे सबके क्लियर है, येस और नो फटाफट बताओ। यस, ओके, ठीक है, प्रभात ओके, ऋतिक ओके, सक्षम ओके, सूरज ओके, ठीक है, तो अब आप लोग स्टार्ट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ह्यूमन बींग। ठीक है, उसमें ऑब्वियसली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है पढ़ने के लिए पहले आपको प्यूबर्टी वगैरह ये सब चीज बेसिक चीज आपको पढ़ना पड़ेगा। ऑल दो ये चीज आप एडोलेसेंस चैप्टर होता है छोटी क्लास में, एडोलेसेंस एंड चेंजेस ऐसे करके कुछ चैप्टर होता है, आई थिंक 8th में होता है, तो आप पढ़ ही चुके होते हैं पहले, पर उसी का थोड़ा आप डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक, ह्यूमन बींग में वी हैव मेल एंड फीमेल एंड बोथ मेल एंड फीमेल प्रोड्यूसर्स गैमेट। ठीक है, ह्यूमन बींग में क्या होता है, देर इज अ सर्टेन एज आफ्टर विच द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस स्टार्ट या आफ्टर विच द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट स्टार्ट, दैट सर्टेन एज इज नोन एज प्यूबर्टी एज और एडोलेसेंस एज। ठीक है, बिफोर दैट वी आर इन चाइल्डहुड, और उससे भी पहले वी आर टोटलर्स, उससे भी पहले हम लोग पैदा भी नहीं होते, वी आर फिटस। ठीक है, तो बहुत सारे डेवलपमेंटल स्टेजेस होते हैं, पहले तो वो देख लेते हैं हम क्या क्या होते हैं। तो एग इज फ्यूज्ड विद सम स्पर्म एंड फॉर्मिंग अ जायगोट, एग ही स्पर्म के साथ फ्यूज होकर जायगोट बनवा रहे हैं। ठीक है, जायगोट जो है दैट इज अ डिप्लॉयड सेल, सिंगल सेल, जायगोट जो होगा दैट विल डिवाइड, बहुत सारे डिविजन्स, एंडलेस डिविजन्स, और वो सारे के सारे जो होते हैं आपके टोटिपोटेंट सेल होते हैं, बॉडी का कोई भी सेल बना सकते हैं। ठीक है, एंड आफ्टर सो मेनी डिविजन्स हमारे पास फाइनल जो प्रोडक्ट आता है वो होता है फिटस, ब्रून बोलते हो जिसको, जो यूट्रस के अंदर लगा होता है, अटैच होता है। फिटस इज अटैच टू द यूट्रस वॉल लाइक दिस तरह से, किसी भी वॉल पे या इस साइड होगा या ऊपर भी हो सकता है, किसी भी साइड होगा, मैक्सिमम चांसेस है ऊपर होगा। ठीक, फीटस अटैच होगा, उसके बाद आफ्टर द 9 months क्या होगा, फीटस बाहर आएगा एंड दैट इज नोन एज डिलीवरी। फीटस बाहर आ गया एक बार तो वो 1 से 2 साल तक की एज तक जो उसको बोला जाता है उसको टॉडलर्स बोलते हैं, प्लेइंग एज। ठीक है, टॉडलर के बाद आता है आपका चाइल्डहुड। ठीक है, चाइल्डहुड के बाद आता है आपका एडोलोसेंस, एडोलोसेंस को हम लोग प्यूबर्टी भी बोलते हैं, and after the adolescence you enter in the adult stage mein phir after 18 is adult stage and after like 25 28
और आफ्टर 30 यू कैन से इट इज द लेट एडल्ट स्टेज, बिफोर 60 ये चलता है आपका लेट एडल्ट स्टेज, और आफ्टर 60 इज द ओल्ड एज, और ओल्ड एज के बाद फिर आता है लेट ओल्ड एज, एंड लेट ओल्ड एज के बाद आती है मौत, ठीक है, उसके बाद डेथ। तो ये कुछ स्टेजेस है आपकी लाइफ की। तो ह्यूमन बींग्स में क्या होता है दैट वी हैव पेरेंट्स एंड वी हैव ऑफस्प्रिंग्स, पैदा होगा मान लीजिए मोनू, तो वो ऑफस्प्रिंग जो है दैट विल बी सिमिलर टू पेरेंट्स, मतलब बॉडी स्ट्रक्चर सेम होगा, दो हाथ दो पैर दो आंख दो कान एक मुंह ये सब होगा, तो मेन बॉडी डिजाइन जो है वो तो सेम रहेगा, तो सेम ही रहना चाहिए क्योंकि वो ह्यूमन बींग है, ठीक है। ह्यूमन बींग की बॉडी में हमको ह्यूमन बींग का बॉडी ही चाहिए और नहीं चाहिए, ठीक। तो मेन बॉडी डिजाइन इज सेम बट द फीचर्स आर डिफरेंट, ठीक है। तो जो ऑफस्प्रिंग पैदा होगा दैट इज सिमिलर टू पेरेंट्स बट नॉट आइडेंटिकल टू पेरेंट्स बिकॉज सम वेरिएशंस आर देयर इन द ऑफस्प्रिंग, वो वेरिएशंस उसकी खुद की हो सकती हैं, वो वेरिएशन हो सकता है उसके पेरेंटल मिक्सिंग से हुई है, कुछ कैरेक्टर पापा से आए कुछ कैरेक्टर मम्मी से आए कुछ कैरेक्टर हमारे खुद के हैं, तो दैट एंड अप इन फॉर्मिंग अ वेरी वेरिएंट चाइल्ड, अलग से दिखता है वो बच्चा, ठीक है। तो ये तो ह्यूमन बींग के केस में होता है, ठीक। ह्यूमन बींग ने बाय द टाइम इवोल्यूशन में वी हैव डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, ठीक है, एंड हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो आर इन केस ऑफ मेल वी हैव द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है दैट इज टेस्टिस, इन केस ऑफ फीमेल द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज ओवरीज, ठीक है। टेस्टिस इज ऑल्सो इन पेयर, ओवरीज इज ऑल्सो इन पेयर, वन पेयर, ओके। हम लोग यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में आते हैं। यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म मतलब नॉर्मली हमारी बॉडी में या तो हम फीमेल होंगे या तो हम मेल होंगे, ठीक है। दिस इज द नॉर्मल कंडीशन वेयर आवर बॉडी शोज यूनिसेक्सुअल कंडीशन इन विच आइदर वी आर मेल और आइदर वी आर फीमेल, ठीक है। आदर उस बॉडी में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, आइदर उस बॉडी में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। ओके, क्या होता है कि मान लीजिए जो बच्चा है दैट इज अ बॉय, मान ये डाउट भी पूछा था एक बच्चे ने, दोबारा बता देती हूँ मैं, बच्चे ने पूछा था मैं व्हाट डू यू मीन बाय MIH, ठीक है। जब पता चल गया ना, जब सेक्स डिटरमाइन हो चुका है दैट दिस इज अ बॉय, आफ्टर 3 months सेक्स इज डिटरमाइन, पता चल जाता है लड़का है या लड़की है, ठीक है। तो दिस इज अ बॉय ये हमको पता चल गया। अब इसकी बॉडी में एक हॉर्मोन रिलीज होगा दैट इज MIH, ठीक है। MIH की फुल फॉर्म होती है मुलेरियन इनहिबिटिंग हॉर्मोन, क्या होती है इसकी फुल फॉर्म पढ़ेंगे इसको आप आगे, मुलेरियन इनहिबिटिंग हॉर्मोन। मुलेरियन इनहिबिटिंग हॉर्मोन जो होता है दैट एक्चुअली इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इनसाइड दिस बॉडी में, because this body is determined to be a boy and we do not want any female reproductive parts to grow inside this female body, so therefore hum log ek hormone ko release karte hain that is known as mullerian inhibiting hormone. Kab release hota hai? During the fetal life hi release ho jata hai, after the determination of sex during the fetal life ye release ho jata hai body mein if the boy body is there, theek hai. So it stops the growth और इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन मेल, ठीक। जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ऐसा नहीं है कि पैदा होते ही हमारा एक्टिव होता है, ऐसा नहीं है। क्या होता है, एक पर्टिकुलर एज होती है व्हेन आवर रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज एक्टिव, दैट पर्टिकुलर स्टेज इज नोन एज एडोलेसेंस और प्यूबर्टी, ठीक है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि द रिप्रोडक्टिव सिस्टम बिकम्स फंक्शनली एक्टिव एट प्यूबर्टी स्टेज, प्यूबर्टी स्टेज फीमेल में भी आएगा, प्यूबर्टी स्टेज मेल में भी आएगा, और दोनों में ही जो एज ऑफ प्यूबर्टी है दैट इज स्लाइटली डिफरेंट, ठीक है। फीमेल में थोड़ा सा पहले आ जाता है, 10 to 12 years बोलते हैं, वैसे 11 to 12 भी बोल देते हैं कुछ,
ठीक है, तो 11 to 12 ईयर आ जाता है नॉर्मल। ठीक है, बॉयज में थोड़ा लेट आता है प्यूबर्टी स्टेज, दैट इज 13 to 14 ईयर। ठीक, प्यूबर्टी स्टेज में चेंजेस क्या क्या होंगे वो इस डिफरेंस चार्ट में आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले तो फीमेल में जो चेंज आएगा दैट इज द वाइडनिंग ऑफ पेल्विस एंड हिप्स। ठीक है, राउंडनिंग एंड वाइडनिंग ऑफ पेल्विस एंड हिप्स। ठीक, पेल्विस क्या होता है, आपका जो वेस्ट बोन होती है, द वेस्ट बोन इज नोन एज पेल्विस, वो थोड़ा सा वाइड हो जाता है बिकॉज यूट्रस इज बीन ग्रोइंग नाउ एंड सब कुछ अब अंदर स्टार्ट होने वाला है, प्रोडक्शन ऑफ एग्स एंड ऑल, तो पेल्विस स्लाइटली वाइडन्स एंड दैट स्लाइट वाइडनेस ऑफ पेल्विस रिजल्ट्स इन द राउंडिंग ऑफ एंड वाइडनिंग ऑफ हिप्स आल्सो। ठीक है, तो ये तो होता है फीमेल में। मेल में क्या होता है कि देर इज वाइडनिंग ऑफ शोल्डर्स, जो कंधे हैं वो बहुत चौड़े हो जाते हैं इन केस ऑफ मेल, तो देर इज वाइडनिंग ऑफ शोल्डर्स। फीमेल में क्या होगा कि आफ्टर ड्यूरिंग द प्यूबर्टी एंड आफ्टर दैट उनकी जो पिच होती है आवाज वो बहुत इंक्रीज हो जाती है, पिच इंक्रीजेस। पिच इंक्रीजेस का मतलब बहुत पतली आवाज होती है फीमेल की, जो आवाज है दैट इज वेरी सॉफ्ट एंड वेरी पतली एज कंपेयर टू मेल्स। मेल्स की जो आवाज होती है दैट इज वेरी डीप, वेरी हार्ड एंड वेरी लो पिच वॉइस। तो ये सारे चेंजेस भी प्यूबर्टी में ही आएगा, हाई पिच वॉइस इन केस ऑफ फीमेल एंड डीप वॉइस या लो पिच वॉइस इन केस ऑफ मेल। मेल की वॉइस इज वेरी डीप, देखा होगा आपने जब आप लोग प्यूबर्टी में एंटर करते हो या एडोलेसेंट स्टेज में एंटर करते हो तो एकदम से योर वॉइस स्टार्ट टू चेंज। बॉयज में स्पेशली 13-14 साल में आप कौन सी क्लास में होते हो, आप होते हो इस वक्त 8th क्लास में, राइट, 8th 9th क्लास में आप लोग होते हो। तो क्या होता है कि 5th 6th क्लास तक तो योर वॉइस एंड गर्ल्स वॉइस इज सिमिलर, कुछ डिफरेंस बता नहीं सकते हम ज्यादा। ड्यूरिंग दी क्लास 8, आफ्टर क्लास 8 क्या होता है, अचानक से आपकी आवाज में थोड़ा सा स्लाइट चेंज आने लग जाता है, और 8th 9th में तो ऐसा होता है बॉयज के साथ कि वॉइस इज लाइक ना ही पतली और ना ही ज्यादा भारी, वो बीच में कुछ होता है, वो अजीब सी आवाज होती है उसकी। धीरे धीरे वो वॉइस और भी ज्यादा डीप होने लग जाती है वॉइस में, और एज यू रीच लाइक लेटर स्टेजेस ऑफ योर प्यूबर्टी लाइक 16, 17, 18 ईयर्स, तो आपकी आवाज एकदम बहुत ज्यादा डीप हो जाती है। ठीक है, तो दैट इज अ वेरी प्रोमिनेंट चेंज सीन इन वॉइस। ओके, प्लस क्या होता है, प्यूबिक हेयर इज देयर, आपके जो जेनाइटल ऑर्गन्स हैं दे स्टार्ट टू ग्रो हेयर अराउंड, सो दैट प्यूबिक हेयर इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बोथ फॉर फीमेल एंड मेल। ठीक है, दूसरा होता है कि बॉयज में क्या होगा कि दे स्टार्ट टू बियर मुस्टैच एंड बियर्ड, दाढ़ी और मूछ आना धीरे धीरे स्टार्ट हो जाता है, क्लास 8 में हो जाता है स्टार्ट हल्का फुल्का। ठीक है, एंड इट ग्रोज मोर एक्सटेंट एज यू रीच दी लेटर्स, तो 18, 19, 20 साल तक आई जाती है सबकी अच्छी खासी दाढ़ी और मूछ, दैट इज ऑल्सो साइन ऑफ प्यूबर्टी, ओनली प्यूबर्टी की वजह से ही हो रहा है। ठीक है, दूसरा ग्रोथ ऑफ एक्सिलरी हेयर बोथ इन केस ऑफ मेल एंड फीमेल। एक्सिलरी हेयर होता है अंडर आर्म हेयर, अंडर आर्म हेयर बोथ इन केस ऑफ मेल एंड फीमेल इज सीन ड्यूरिंग द प्यूबर्टी टाइम। दूसरा है कि इनिशिएशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन केस ऑफ फीमेल। मेंस्ट्रुअल साइकिल आप पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, इट इज अ मंथली साइकिल इन विच एट अ पर्टिकुलर डे एग इज रिलीज फ्रॉम द फीमेल बॉडी, सो दिस रिलीज ऑफ एग इज वेरी मच बैलेंस्ड एंड इट अकर्स आफ्टर एवरी 1 month और आफ्टर एवरी 28 डेज। ठीक है, दिस 28 डे साइकिल इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन विच द फीमेल ऑल्सो सफर्स विद ब्लीडिंग एंड पेन एंड रिलीज ऑफ ओवा फ्रॉम द यूट्रस। ठीक है, तो ये सारे जो चेंजेस होते हैं दीज आर मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा अलग भी टॉपिक है। ठीक, ये फीमेल्स में होगा, मेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल में, तो मेल में क्या होगा कि एज फीमेल्स में ग्रोथ हो रहा है पेल्विक बोन का ताकि यूट्रस की ग्रोथ हो सके, उसी तरह से मेल में क्या होता है दैट देयर इज ग्रोथ ऑफ सेक्स ऑर्गन एंड प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो मेल में होता है दैट इज टेस्टिस एंड पेनिस। ठीक है, इन दोनों का ग्रोथ स्टार्ट्स ड्यूरिंग द प्यूबर्टी स्टेज, और फीमेल में क्या होगा, देयर इज ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम द ग्रोथ ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, अपार्ट फ्रॉम दैट
दे ऑल्सो हैव ग्रोथ फॉर मेमरी ग्लैंड, ठीक है, जो ब्रेस्ट होती है उनका भी ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है ड्यूरिंग प्यूबर्टी स्टेज. तो मेमरी ग्लैंड मतलब मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, ओके, तो उनका भी ग्रोथ आपको प्यूबर्टी में स्टार्ट हो जाएगा. कुछ डिफरेंसेस थे. प्यूबर्टी जो होती है दैट इज ऑल्सो, ये सिर्फ ये सब चेंजेस नहीं आते, मतलब बॉडीली चेंजेस नहीं आते बस, और भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं. बिकॉज दिस इज अ वेरी डेलिकेट स्टेज, द पर्सन आइदर फीमेल और अ मेल सफर्स फ्रॉम वेरिएशन इन हॉर्मोन्स इन देयर बॉडी, बिकॉज सेक्स ऑर्गन आर बीइंग डेवलप्ड एंड अदर चेंजेस आर ऑल्सो बीइंग देयर. सो ये सब हॉर्मोनल चेंजेस एकदम से जैसे ना फ्लक्चुएट हो गए इतने सारे हॉर्मोन्स, एकदम से पीक आ गए हॉर्मोन्स की, तो ऑब्वियसली बॉडी विल रिएक्ट टू दैट. So sometimes there is appearance of pimples and acne also, which is normal. Sometimes there is lots of irritation, frustrations in the adolescence. That is also normal. Or because the body is suffering, or not suffering, but experiencing so many changes, so there is some mental and emotional disbalance also seen in the adolescence. Okay. और साइकोलॉजिकल चेंजेस भी होते हैं थोड़ी, इनकी जो एडोलेसेंस होते हैं इनकी साइकोलॉजी चाइल्डहुड और एडल्ट वाले लोगों से थोड़ी अलग ही होती है, अलग ही दुनिया होती है, ठीक है. तो साइकोलॉजी, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ सब पे थोड़ा बहुत असर पड़ता है ड्यूरिंग प्यूबर्टी, वेरी डेलिकेट स्टेज, ठीक है. तो टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड, एग्स इज प्रोड्यूस्ड बाय द फीमेल एंड स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द मेल. एग जो होते हैं हर महीने एक ही रिलीज होगा, ओनली वन एग इज रिलीज. और स्पर्म जो होते हैं पर इजैकुलेशन 250 से 280 मिलियन निकलते हैं. पर इजैकुलेट क्या होता है आपको आगे पता चलेगा व्हाट इज इजैकुलेट. तो इजैकुलेशन में क्या होगा कि आफ्टर एवरी इजैकुलेट हम सेमेन बोल देते हैं, तो एवरी सेमेन कंसिस्ट ऑफ अराउंड 250 to 280 मिलियन स्पर्म्स हर इजैकुलेट, ठीक है. इन एवरी इजैकुलेट या एवरी रिलीज देयर इज 250 to 280 स्पर्म, मिलियन स्पर्म्स, और इधर एग ओनली वन. ओके, साइज ऑफ एग इज वेरी लार्जर एंड इट इज ऑल्सो द लार्जेस्ट सेल ऑफ योर बॉडी अगर फीमेल्स की बात होती है, और अदरवाइज मसल सेल अगर ऑप्शन है तो वो आंसर हो, ठीक है. बहुत बड़ा होता है एंड लार्जेस्ट जो है सेल इन द वर्ल्ड इज ऑस्ट्रिच एग, ठीक, वो भी एग है. तो इसका जो डायमीटर होगा दैट इज अराउंड 0.12 मिलीमीटर, और जो स्पर्म है उसका होगा 50 माइक्रोमीटर. मिलीमीटर और माइक्रोमीटर कितना बड़ा डिफरेंस है, ठीक है. तो इट्स लाइक लेस देन अ डॉट इन फ्रंट ऑफ द ओवा, ठीक है, ओवा के सामने बिल्कुल डॉट की तरह है स्पर्म. ओके, तो विच इज लिखा हुआ है यहाँ पे 10,000 टाइम्स स्मॉलर देन द एग. एग से 10,000 गुना छोटा है स्पर्म का साइज, एवरी स्पर्म का साइज. दोनों ही हैप्लॉयड होंगे, एग इज ऑल्सो हैप्लॉयड एंड स्पर्म इज ऑल्सो हैप्लॉयड. मतलब एग के पास भी जो न्यूक्लियस है उसमें 23 क्रोमोजोम होंगे, और स्पर्म के पास भी जो न्यूक्लियस है उसमें 23 क्रोमोजोम होंगे. बोथ आर हैप्लॉयड बॉडी, हैप्लॉयड सेल, ठीक है. नेक्स्ट चीज, बिकॉज बोथ आर सेल्स, दोनों सेल ही तो है, एग सेल स्पर्म सेल बोलते हैं, तो दे ऑब्वियसली आर कवर्ड एंड दीज आर एनिमल सेल्स. So they obviously are covered from the outermost side by a plasma membrane. ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से दोनों ही कवर्ड होंगे, ठीक. एंड एग में क्या होगा आगे पढ़ेंगे आप कि हाउ एग डेवलप. तो उसमें आप पढ़ेंगे कि एग ना मियोसिस वन के बाद थोड़ा रेस्टिंग स्टेज पे चला जाता है उस टाइम के लिए, ठीक है. तो मियोसिस टू इज इनकम्प्लीट, जब स्पर्म आएगा उस समय मियोसिस टू कम्प्लीट होगा, ठीक है. तो एग में क्या होगा आगे पढ़ेंगे आप इसको, ये डिटेल में आएगा काफी. और स्पर्म में क्या होता है कि सब कंप्लीट रहते हैं, हैप्लॉयड होते हैं 23 क्रोमोसोम के साथ, मियोसिस तो कंप्लीट होता है, ठीक है. एग के पास माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं बहुत ज्यादा नंबर के, बिकॉज एग नीड मोर एनर्जी एंड एग के पास माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर जो है दैट इज अराउंड 100 to 2 lakh, ठीक है, 20 to 2 lakh. और स्पर्म के पास ऑल्सो माइटोकॉन्ड्रिया आर देयर, बट एवरी स्पर्म इज हैविंग लाइक 75 to 100 माइटोकॉन्ड्रिया. बट अगर हम इन टोटैलिटी देखें तो स्पर्म इन टोटैलिटी विल बी हैविंग मोर माइटोकॉन्ड्रिया, बिकॉज एग तो एक ही है ना, उस एग के पास 100 या 2 lakh माइटोकॉन्ड्रिया है, 100 से 2 lakh कितने भी, ठीक है. और बट स्पर्म आर लाइक मिलियन, 250 मिलियन स्पर्म, और हर एक स्पर्म के पास 75 to 100 माइटोकॉन्ड्रिया. टोटल मान लो कितना सारा हो जाएगा, सारे स्पर्म के माइटोकॉन्ड्रिया अगर ऐड करो तो
पता नहीं कितने हो जाएंगे, एंडलेस। ठीक, एग जो होता है दैट इज सराउंडेड बाय लेयर नोन एज जोना पेलिसिडा। आगे एग की पूरी मेम्ब्रेन आएंगे, उसमें पढ़ेंगे आप, वहां दिख रहा होगा कि जो आउटर मोस्ट आपको लेयर दिख रही है, दिस इज जोना पेलिसिडा। ठीक है, जोना पेलिसिडा के बाद आपका आता है और भी कुछ लेयर्स आगे पढ़ेंगे, और अंदर आएगा आपका एग, एग में होगा आपका न्यूक्लियस। ठीक है, और बहुत सारे छोटे 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 ग्रेन्यूल्स होते हैं जो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जुड़े होते हैं, ये ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन हेल्प करवाते हैं ये ग्रेन्यूल। ठीक है, स्पर्म एंट्री वगैरह वगैरह देखते हैं, और ये ग्रीन कलर के आपको दिख रहे हैं बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया। उसी तरह से स्पर्म का अगर हम रफ स्ट्रक्चर देखें तो उसमें स्पर्म का है आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन, ऑब्वियसली प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हरे रंग का आपको माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है, एंड द स्पर्म कंसिस्ट ऑफ बेसिकली थ्री पोर्शन, दो ही दिखा रखे हैं इसमें। थ्री पोर्शन कौन से होते हैं, हेड, नेक एंड टेल, थ्री पोर्शन होते हैं स्पर्म के। हेड में आपका न्यूक्लियस होगा और एक्रोसोम होगा। अब चैट बॉक्स में जरा लिखो, क्लास नाइन्थ में पढ़ा होगा आपने कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस एक्रोसोम, रिलेटेड विद सेल ऑर्गेनाइज है ये, हिंट दे दिया मैंने, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस एक्रोसोम, ठीक है, कौन बनाता है इसमें। ओके, तो ये स्पर्म और एग का आपको डायग्राम बता दिया मैंने। चलिए नेक्स्ट आते हैं आपके सेक्स ऑर्गन एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सेक्स ऑर्गन। वी हैव बेसिकली टू टाइप्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो एक होता है आपके पास प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और एक होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। क्यों बोला गया है इनको प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, बिकॉज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो है दैट आर रिलीजिंग गैमेट्स, जो गैमेट्स रिलीज करवा रहे हैं, मतलब वो प्राइमरी फंक्शन शो करवा रहे हैं, राइट। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं जो गैमेट्स को रिलीज नहीं करवा रहे, बट दे आर हेल्पिंग इन द रिप्रोडक्शन प्रोसेस, दे आर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन या एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूसेस गैमेट्स एंड सेक्स हॉर्मोन्स ऑल्सो, एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन डू नॉट प्रोड्यूस गैमेट्स एंड सेक्स ऑर्गन, बट यस दे हेल्प इन द रिप्रोडक्शन समहाउ। ओके, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स है उन्हीं को आप गोनैड्स भी बोल दें, तो डोंट गेट कंफ्यूज नाउ, अगर आगे गोनैड्स टर्म यूज हो रहा है तो दैट मींस दे आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन केस ऑफ मेल इज टेस्टिस व्हिच इज इन पेयर, एंड इन केस ऑफ फीमेल इज ओवरी, आर ओवरीज व्हिच इज ऑल्सो इन पेयर। ठीक, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो होते हैं दे आर एसोसिएटेड विद द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड परफॉर्म इंपॉर्टेंट फंक्शन इन रिप्रोडक्शन, ये भी जरूरी होते हैं, दे आर हेल्पिंग इन रिप्रोडक्शन ओनली, बट दे आर एसोसिएटेड विद दीज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। कौन कौन से होते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन आपके, इन केस ऑफ मेल द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन इज वास्ट डिफरेंस, कुछ ग्लैंड होते हैं जैसे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, कॉकस ग्लैंड, ये सब आएंगे आपको डायग्राम में आगे, और ये पीनेस, ये सब क्या है कॉपुलेटरी ऑर्गन जो है, ये सब के सब क्या है, दे आर दी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन इन केस ऑफ मेल। इन केस ऑफ फीमेल द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन इज फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वजाइना, ये सारे क्या हैं आपके सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अच्छा, आपको एक लेक्चर मैं रिकॉर्ड करके भेज दूंगी अलग से वाइट बोर्ड पे, शोइंग हाउ टू मेक फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, बिकॉज इसको सिखाना पड़ेगा मुझे आपको, तो आई विल रिकॉर्ड एंड देन आई विल सेंड। So male again having primary and secondary sex organs. Primary sex organ testis in pair. Secondary sex organ like different ducts, accessory glands, penis and the copulatory organ which is penis only. Okay. Male reproductive system अगर आप देखिए diagram, डरना मत, बहुत easy है ये बनाना, जितना ये tricky दिख रहा है उससे भी ज़्यादा easy इसको बनाना है। ठीक है, तो जब भी आप male reproductive system बनाना start करते हो हमेशा इस side से करते हो, from this testis part. So these are the pair of testis. Pair of testis के बाद आपको दिख रहा है एक structure which is arising from the testis known as epididymis. Epididymis के बाद आपको दिख रहा है a duct which is carrying something towards the upper side. Right? इस duct को हम लोग बोल देते हैं vas deferens. ठीक है, this duct is vas deferens. ये दिख रहा होगा आपको वास डिफरेंस, आप ऊपर देख रहे हो कि एक बैग जैसा कुछ है जिसको हम यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं, देख रहे हो
ये ऊपर से जो आ रहे हैं ना, ये यूरेटर है आपके, जो किडनी से आ रहे हैं ऊपर, ठीक है, किडनी से जो आ रहे हैं, दीज आर दी यूरेटर्स, ओके। और यूरेटर्स आपको पता है दे एंड अप इनटू द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक। तो वास डिफरेंस आप देख रहे हो कि इट इज अराइजिंग फ्रॉम द लोअर पोर्शन और ऊपर से इस तरह से यू टर्न मार के आ रहा है, मतलब जो यूट्रस है, ये यूरेटर है, उससे बिल्कुल यू टर्न मार के, छलांग मार के नीचे की साइड आ रहा है, वास डिफरेंस, ठीक है। और आफ्टर कमिंग टू द लोअर साइड क्या होगा, ध्यान से देखेंगे तो दिस वास डिफरेंस इज नाउ फ्यूजिंग लाइक दिस, थोड़ा सा जूम कर दो तो पता चलेगा आपको, दिस वास डिफरेंस जो ऊपर से आ रहा था, दिस इज नाउ बीइंग फ्यूज्ड इनटू वन, और धीरे धीरे इट इज एक्सपीरियंसिंग लॉट्स ऑफ एक्सेसरी साइडवर्ड्स ग्लैंड 1, 2 एंड 3, ठीक है। दिस इज सेमाइनल वेसिकल, दिस इज प्रोस्टेट ग्लैंड, दिस इज बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो तीन तरह के ग्लैंड आपको दिख रहे हैं विच इज प्रेजेंट ऑन दिस साइडवर्ड्स। सबसे बड़ा इज सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड देन बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। और अगर ध्यान से अगर आप देखेंगे इसको तो पता चलेगा आपको, ये जो वास डिफरेंस था, दिस वास डिफरेंस फ्यूज्ड टू वन एंड देन दिस ग्लैंड फ्यूज्ड टू वन, दिस ग्लैंड फ्यूज टू वन, बल्बो यूरेथ्रल फ्यूज टू वन, प्लस पीछे जो यूरिनरी ब्लैडर है, उस यूरिनरी ब्लैडर से क्या रिलीज हो रहा था आपका, यूरेथ्रा, दिस इज द यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा में आप ध्यान से देखेंगे कि यूरेथ्रा, दिस पोर्शन इज हैविंग थिंग्स फ्रॉम दिस वास डिफरेंस, इट इज ऑल्सो हैविंग थिंग्स फ्रॉम दिस ग्लैंड्स, ये तीन ग्लैंड्स जो है पेयर में, उनकी सिक्रीशन प्लस जो वास डिफरेंस थी उसकी सिक्रीशन, दीज ऑल आर गेटिंग मिक्स्ड इनटू दिस वन कॉमन डक्ट नोन एज यूरेथ्रा, एंड दैट इज व्हाई यूरेथ्रा इज नोन एज अ कॉमन ओपनिंग और कॉमन डक्ट फॉर दी स्पर्म एंड यूरिन बोथ, बिकॉज दिस यूरेथ्रा विल बी कैरिंग सिक्रीशन फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर ऑल्सो विच इज यूरिन, एंड दिस विल बी कैरिंग सिक्रीशन फ्रॉम दिस वास डिफरेंस ऑल्सो विच विल बी स्पर्म्स, दिस विल बी कैरिंग सिक्रीशन फ्रॉम दीज ग्लैंड ऑल्सो विच विल बी लाइक म्यूकस, वाइटिश फ्लूड, स्टिकी फ्लूड, वो सब, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो किसमें मर्ज होंगी, दैट ऑल विल मर्ज और गो इनसाइड दिस कॉमन पाथवे नोन एज यूरेथ्रा, ठीक है, वही आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा विल ओपन आउटसाइड बाय द पॉपुलेटरी पार्ट, एंड दैट पॉपुलेटरी पार्ट इन मेल इज नोन एज पेनिस। यूरेथ्रा विल ओपन आउटसाइड फ्रॉम हियर, उसके जो भी सिक्रीशन होंगे वो यहाँ से बाहर निकल जाएंगी, एंड द सिक्रीशन या तो यूरिन पास आउट होगा, और अगर यूरिन पास आउट नहीं हो रहा तो क्या पास आउट होगा, कोई ना कोई इजैक्यूलेट, एंड दैट इजैक्यूलेट विल बी हैविंग सेमेन एंड स्पर्म्स एंड स्टिकी फ्लूइड एंड वाइटिश फ्लूइड, ये सब चीज, ठीक है। जो पीनिस होता है दैट इज हैविंग, दो चीज में याद रखनी है आपको, कि एक होता है सबसे ज्यादा टिप वाला जो पोर्शन होता है, दिस टिप वाला पोर्शन इज नॉन हेयरी, वेरी सॉफ्ट, वेरी मॉइस्ट ऑल्सो, वेरी सॉफ्ट ऑल्सो, विदाउट एनी हेयर, दिस फोर या दिस एंटीरियर मोस्ट पोर्शन इज नोन एज योर ग्लैंड्स पेनिस या ग्लैंड्स, ठीक है। इस ग्लैंड्स की साइड में आप देख रहे हो देर इज अनदर स्किन फोल्डिंग लाइक दिस, दिस स्किन फोल्डिंग इज नोन एज फोर स्किन, ठीक है, इसको क्या बोल देते हैं हम लोग, फोर स्किन। और टिप पोर्शन ऑफ दिस पेनिस इज नोन एज ग्लैंड्स, there are lots of blood vessels in penis, there are lots of muscles in penis, there is lots of fatty tissue accumulated inside the penis, okay. which help in the reproductive process, okay. So वही male reproductive system आपको class 11th का है दिखाया हुआ है साइड वर्ड्स, okay. तो अब थोड़ा डिटेल में आ जाते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या था हमारे पास, टेस्टिस, ठीक है, और टेस्टिस तो हम प्लूरल टर्म को बोलते हैं, और जो सिंगुलर टर्म है उसको हम टेस्टिस बोलते हैं, TESTIS, ठीक है, और अगर प्लूरल बोल रहे हैं तो TES, ठीक। तो टेस्टिस जो होता है, बिकॉज दिस इज वन टेस्टिस शोन, तो IS लिखा हुआ है इसके यहाँ पे, एवरी टेस्टिस, बोथ द टेस्टिस इज कवर्ड बाय अ पाउच,
That pouch is known as scrotum, also known as scrotal sac. ठीक है, या तो scrotum या scrotal sac. Both the testes are covered from the outer portion by a pouch known as scrotum or scrotal sac. ठीक है, इस scrotum या scrotal sac का function क्या होता है? See, first of all, it is present outside the testes, both the testes. And basically, the testes are present outside your abdominal cavity. Okay, it is not present inside your body. It is present outside your body. So, reason hai uska kuch, that testes is present outside the body but not inside. Uska ek reason hai, because jo sperm ki development hai, ya sperm ki production hai, usko aapki body se 2 se 3 degree Celsius less temperature chahiye. ठीक है, आपकी बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री कम चाहिए है स्पर्म की प्रोडक्शन. ठीक है, तो आपकी बॉडी के अंदर होते अगर टेस्टिस तो स्पर्म प्रोड्यूस नहीं हो पाते, इसलिए उसको हमको एब्डोमेन या आपकी जो बॉडी है उससे बाहर भेजना पड़ा या निकालना पड़ा. बिकॉज स्पर्म प्रोडक्शन नीड्स 2 to 3 डिग्री लेस टेम्परेचर देन दी बॉडी, ताकि आराम से स्पर्म जो है वो प्रोड्यूस हो. और ये स्क्रोटल सैक जो होता है, दैट इज एक्टिंग लाइक अ पाउच, लाइक अ बैग, लाइक अ कवरिंग आउटसाइड द टेस्टिस, व्हिच इज प्रोटेक्टिंग द टेस्टिस. ठीक है, टेस्टिस जो होती है वो 4 to 5 सेंटीमीटर होती है. एवरी टेस्टिस, जो हर एक टेस्टिस है, दैट बेसिकली इज उसका जो लेंथ होगा दैट विल बी अराउंड 4 to 5 सेंटीमीटर ओनली. ठीक है, और हर एक टेस्टिस को अगर आप इस तरह से बीच में काट दें, ब्लेड लो और इस तरह से अगर हम उसको काटे बीच में से, तो हमको बहुत सारे चेम्बर्स दिखते हैं अंदर. ठीक है, इस तरह के बहुत सारे चेम्बर्स जैसे दिखते हैं. दैट चेम्बर्स आर नोन एज टेस्टिकुलर लोब्यूल्स. और हर एक टेस्टिस में ऐसे 250 चेम्बर्स या कमरे होंगे जिनको हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोल रहे हैं. एवरी टेस्टिस इज हैविंग अराउंड 250 कमरे और टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, चेम्बर्स होते हैं बहुत सारे. सो हर एक चेम्बर के अंदर आपको ऐसे धागे जैसा कुछ दिखेगा. दैट धागे जैसी थिंग इज नोन एज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. और हर एक चेम्बर या टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर आपको ऐसे 1 से 3 धागे मिलेंगे या 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मिलेंगे. तो एवरी टेस्टिस लेंथ 4 to 5 सेंटीमीटर इज हैविंग लॉट्स ऑफ लोब्यूल्स known as testicular lobules, which are in total 215 number. Every testicular lobule consists of thread-like structures known as seminiferous tubules. ठीक है, हर एक के अंदर होगा 1 से 3, कितने भी हो सकते हैं 1 से 3 में. ठीक, these are seminiferous tubules. Testis जो होता है उसका main काम होता है in the production of sperm, plus also in the production of male hormone, that is testosterone. ठीक है, स्पर्म प्रोडक्शन जो होता है वो स्टार्ट तो होता है एट दी प्यूबर्टी स्टेज. तो इट विल बी स्टार्टेड एट दी प्यूबर्टी स्टेज, बट देर इज नो एंड स्टेज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म. सो इट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड थ्रू आउट योर लाइफ. ठीक है, सो स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड थ्रू आउट योर लाइफ. ठीक, नेक्स्ट चीज आती है द एलएस या लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन. भाई टेस्टिस को एक ब्लेड से हमने इस सेक्शन में काट दिया, सो दैट is the longitudinal section of testis. As you can see, it consists of lots of chambers or lobules known as testicular lobule. Every testicular lobule is having a thread-like thing. That thread-like thing is seminiferous tubule. 1 se 3 kitne bhi ho sakte hain ye. Theek hai, this testis from outside is covered by the scrotal sac or scrotum. Every seminiferous tubule is joining somewhere. जैसे हमने पढ़ा था ना उसमें ये जो था किडनी, किडनी में हमने पढ़ा था सारे पिरामिड, स्कैलेट्स, इंटरनल पेल्विस, फिर यूरेटर, ऐसे हो रहा था. उसी तरह से सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आर जॉइनिंग समवेयर. दैट समवेयर इज रेटिटिस. ठीक है, दिस रेटिटिस विल बी हैविंग ऑल द सेक्रेशन ऑफ दिस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल दैट आर स्पर्म. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर बनते हैं आपके स्पर्म टेस्टिस. ठीक है, तो सारे जो स्पर्म है वो इधर इकट्ठे है इस वक्त. धीरे धीरे दी स्पर्म विल बी मूव टू द नेक्स्ट पोर्शन, एंड दैट नेक्स्ट पोर्शन इज नोन एज वास एफरेंशिया. देखते हो आप दिस पोर्शन, दिस पोर्शन इज वास एफरेंशिया. वास एफरेंशिया के बाद आता है आपका एपिडिडाइमिस. दिस कर्वी पोर्शन, दिस इज नोन एज एपिडिडाइमिस. एपिडिडाइमिस के बाद आपका आता है वास डिफरेंस. तो जो ऊपर आपने डायग्राम देखा था,
उसमें आपको क्या दिख रहा था? टेस्टिस दिख रहा था। टेस्टिस के बाद स्क्रॉटल सैक होगा बाहर वाली साइड पे, और टेस्टिस के बाद आपको ये कर्वी स्ट्रक्चर क्या दिख रहा था? एपिटिडाइम। एपिटिडाइम से पहले दो चीज क्या आती है यहाँ पे? वास एफरेंशिया। वास एफरेंशिया से पहले रेटेड टेस्टिस, और यहाँ पे बहुत सारे लॉब्यूल्स हैविंग सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स इनसाइड। ठीक, ये आपका एल एस है। सब बनाने हैं, सब डायग्राम आपको नोटबुक में बनाने हैं। बट हाँ, ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है वो आप बना भी सकते हो, वेरी इजी। बट यस, आई विल ऑल्सो टीच यू हाउ टू ड्रॉ इट, डोंट वरी। ठीक है, ड्रॉ इट इफ यू वॉन्ट, अदरवाइज यू कैन वेट टिल आई सेंड यू द रिकॉर्डिंग। ओके, तो यहाँ तक हमने आज करना था, स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस तक। नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे हाउ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस, और किस तरह से जो प्राइमरी जर्म सेल होता है जो डिप्लॉयड होता था, उस डिप्लॉयड से चार हैप्लॉयड स्पर्म कैसे बने, वो सब चीज सीखेंगे। और सेमिनिफेरस ट्यूबुल के अंदर आपको कैसा दिखता है, क्या क्या होता है उसके अंदर, कौन कौन से सेल्स होते हैं, लीडिंग सेल्स, इंटरनल सेल्स, ये सब देखेंगे। और माइक्रोस्कोप ट्यूब देखेंगे कि माइक्रोस्कोप में कैसा दिखता है। ओके, तो आज के लेक्चर में कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। वेरी एक्रोसोम जो है दैट वाज फॉर्म्ड बाय द हेल्प ऑफ दीज गॉल्जी बॉडीज एंड ऑल। ठीक है, वेरी गुड। एक्रोसोम हेल्प इन द एंट्री ऑफ स्पर्म एंड ओवा, गुड, वेरी गुड। सही लिखा आप सबने, याद है मतलब आप सबको। इट हेल्प्स इन द ब्रेकडाउन ऑफ एग मेम्ब्रेन। जब फर्टिलाइजेशन होना होता है तो उस समय जो एग की मेम्ब्रेन है उसको हमको ब्रेक करना पड़ता है, तो उस ब्रेकेज में जो है आपका एक्रोसोम हेल्प करवाता है। ठीक है, एनी मोर डाउट? साहिल, हाइपोगोनाडिज्म। हाइपो मतलब देखो, किधर भी आप हाइपो पढ़ते हो मतलब लेस, हाइपर किधर भी पढ़ते हो मतलब ज्यादा। तो हाइपोगोनाडिज्म बेटा क्या होता है, इसमें इट कैन अकर इन फीमेल ऑल्सो, इट कैन अकर इन मेल ऑल्सो। तो जब जो गोनाड्स है, जो मतलब टेस्टिस और ओवरीज है, जब वो ठीक से काम करना नहीं या बंद कर देते हैं ठीक से काम करना, या कम कर देते हैं काम करना, या जैसे टेस्टिस का काम है प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म एंड हॉर्मोन, वो नहीं बना रहा। ओवरी का काम है प्रोडक्शन ऑफ एग एंड हॉर्मोन्स, नहीं बना रही। तो उस केस में जो कंडीशन होती है दैट इज हाइपोगोनाडिज्म, इन विच गोनाड्स आर फंक्शनिंग लेस देन रिक्वायर्ड अमाउंट। ठीक है, यस, ओवा कैन बी सीन बाय द नेकेड आई, यस, आराम से। हाइपोगोनाडिज्म बता दिया मैंने सही। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट एक स्टेज होता है, बिल्कुल पढ़ेंगे आप जब आप जायगोट के बाद का स्टेज पढ़ेंगे ना। तो देखो, एक स्पर्म आया, ओवा के साथ फ्यूज हुआ, जायगोट बना, जायगोट डिवाइड होगा, डिवाइड होकर कुछ ना कुछ स्टेजेस होते हैं बहुत सारे। ठीक है, मोरूला स्टेज, ब्लास्टुला स्टेज। तो ब्लास्टोसिस्ट एक ऐसा स्टेज है उस जायगोट का जो कि इम्प्लांट ना अटैच होता है यूट्रस से। फिर यही ब्लास्टोसिस्ट स्टेज जो है धीरे 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 ग्रो होगा और फिटस बनाएगा, और फिर वो बाहर डिलीवर आउट होगा। ठीक है, क्लियर हुआ साहिल और नकुल? पढ़ेंगे आप नकुल इसको जब आप जायगोट फॉर्मेशन पढ़ेंगे ना, उसमें अलग से भी पढ़ेंगे ब्लास्टोसिस्ट। नकुल, साहिल, क्लियर हुआ आपका डाउट? ये सुनो, और उत्सव आपका भी। ओके, ठीक है। व्हाट विल हैपन व्हेन इफ द बेबी इज फीमेल, व्हिच हार्मोन विल स्टॉप द ग्रोथ ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव? हाँ, जैसे उसमें था मुलेरियन इनहिबिटिंग हार्मोन, उस तरह से हमारे पास होता है। ठीक है, इनहिबिशन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। थ्रू आउट बनता है, जो शुभम, जो स्पर्म्स हैं दे आर फॉर्म थ्रू आउट द लाइफ, थ्रू आउट लाइफ बनते हैं। बट यस, फर्क क्या होता है कि आफ्टर अ सर्टेन एज द नंबर ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस, जैसे अभी तो नॉर्मल हमने नंबर क्या पढ़ा, 250 से 280 मिलियन पर इजैकुलेट। तो एज द एज इंक्रीजेस मोर, तो उस समय जो नंबर होता है स्पर्म का दैट डिक्रीजेस, यानी स्पर्म काउंट कम हो जाता है, और जो फर्टिलिटी होती है स्पर्म की, मतलब जो
पोटेंशियल होता है स्पर्म का टू फ्यूज विद द ओवा वो भी कम हो जाता है. तो एज द एज इंक्रीजेस टू मैक्सिमम द फर्टिलिटी ऑफ स्पर्म एंड द नंबर ऑफ स्पर्म डिक्रीज, अदरवाइज दे आर प्रोड्यूस थ्रू आउट लाइफ, देर इज नो स्टॉपेज. बट फीमेल्स में क्या होता है, देर इज अ स्टॉपेज आफ्टर अ सर्टेन एज, जिसको मेनोपोज बोलते हैं, आफ्टर अ सर्टेन एज एग्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड. ठीक है, रेटे टेस्टिस सारे के सारे जो सेमिनाइल वेसिकल का सिक्रीशन है उसको कैरी करेगा और एपिडिडाइमिस को देगा. वहां पर जो स्पर्म्स है वो बेसिकली इकट्ठा हो रहे हैं, स्टोर हो रहे हैं और आगे जा रहे हैं. ठीक है, स्टोरेज का काम आपका वैसे ही वास्ट डिफरेंस भी करता है थोड़ा बहुत. ठीक, आएंगे आगे, अभी पढ़ना है हमें आगे मेल रिप्रोडक्टिव. आज तो बस डायग्राम देखा है हमने कैसा होता है. ठीक है, एक एक फंक्शन हम अभी करेंगे. एनी मोर डाउट? Any more doubt? Ready test is बता दिया सुरेश मैंने, जो seminal vesicle है उसमें से सारी secretion को इकट्ठा करके उसको देना है epididymis को. ठीक है, या vas efferentia को, vas efferentia फिर देगा epididymis, epididymis देगा vas deferens. ठीक है, आज का जो lecture है उसको एक बार ध्यान से सुनना सब लोग, और जो आज मैंने आपको diagram में बताया है कि कहाँ से कौन सी duct आ रही है उसको बहुत ध्यान से देखना. And then tomorrow we will continue with the next about production of sperm and all. कैसा होता है production of sperm, कैसे बनेगा production, कैसे होगा, वो सब देखेंगे कल. ठीक है, कोई doubt है तो आप पूछ लीजिए. Hypogonadism बता दिया मैंने, इनका doubt था ये. साहिल, साहिल clear हो गया hypogonadism? चलिए गुड. सो ये पीडीएफ आपको मैं भेज देती हूँ. ठीक है, पीडीएफ में जितना आज तक करवाया है उसके नोट्स आप पूरा अपडेट रखो, इकट्ठा नहीं करने नोट्स. ठीक है, और क्लाइटोरिस इज अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बाद में पढ़ेंगे. ठीक है, और नोट्स कंप्लीट रखिए आप. ठीक है, पीडीएफ भेज देते हैं आपको, रिकॉर्डिंग देख लेना. ओके, दिस वाज ऑल, थैंक यू.